दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल जाना होगा बेहद आसान। 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा नए पुल का काम। जयनगर दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों के सीधे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पहुंच पथ निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। अब यात्री दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक बगैर परेशानी से पहुंच सकेंगे। सड़क एवं एयरपोर्ट परिसर के बीच स्थित कमला मरने नदी पर कलवर्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कलवर्ट का काम पूरा होने के बाद पहुंच पथ को सीधे एयरपोर्ट के टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। पहुंच पथ काफी चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। पहुंच पथ का काम पूरा होने के बाद बुजुर्ग यात्रियों को भी टर्मिनल तक पहुंचने में सहूलियत होगी। इस रास्ते पर शेड बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। जाहिर है, इस निर्माण कार्य के पूरा होने के साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। फिलहाल यात्रियों को एयरफोर्स स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर टर्मिनल तक पहुंचना पड़ता है। दरअसल एयरपोर्ट टर्मिनल तक यात्रियों को पहुंचने में उन्हें काफी दूरी तय करनी पड़ती है। विपरीत मौसम में काफी दूरी पैदल ही तय करने से यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। खासकर तेज धूप और बारिश के दौरान एनएच से टर्मिनल भवन तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने के साथ ही यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा शुरू की। हालांकि सुविधाओं की कमी की वजह से लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं। बावजूद इसके दरभंगा एयरपोर्ट तक 4 लेन से आसानी से पहुंच जाने की वजह से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, सुपौल आदि जिले के यात्री बड़ी संख्या में पटना एयरपोर्ट से अधिक दरभंगा से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।